ईचागढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुखराम हेमब्रम की पत्नी ठाकुरमणि हेमब्रम और उनके नेतृत्व में कई सारी महिलाएं ईचागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पदयात्रा के माध्यम से जनसमर्थन अभियान चलाकर निर्दलीय प्रत्याशी सुखराम हेमब्रम के पक्ष में वोट मांगने की अपील करने पहुंची। ईचागढ़ विधानसभा में 23 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। सबको हम लोग को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्या निर्णय लिए हैं इस बार सुखराम के पति जिताने के लिए? क्या निर्णय लिए हैं? इसको जिताएंगे आप क्या? बोलिए बोलिए। अच्छा बोल, हम लोग तो जनता का इच्छा का जनता का सेवा करेगा, सेवा करेगा कितना भी जनता। ठीक है, आज आप ईचागढ़ में जाके देखिए इन्होंने क्या विकास किया है। ना सड़क का, ना स्वास्थ्य का, ना यहाँ बिस्तर पीतों का, ना यहाँ पर नहीं बोलते हैं ना रोजगार का, ना सिंचाई का, कुछ नहीं किया है। सिर्फ ईचागढ़ को लूटा है। अरविंद सिंह इतना बार जीत के गया, सिर्फ ईचागढ़ को लूटा है। उसके बाद हम लोग निर्मलता का परिवार को सम्मान दिए, सुधीरदा को जिताए, सविता महतो को भी जिताए। हाँ, लेकिन उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। आंसू बहा के वोट ले लिया, सबका वोट ले लिया, उसके बाद घर में जाके बैठ गई। बस बोल रहे हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, बस एमएलए बन गए, विधानसभा में जाके कुछ भी नहीं, यहाँ का कुछ मुद्दा भी उठाया नहीं। ऐसे नेता हम लोग क्यों चुनेंगे जी? क्यों, किस हिसाब से आज वोट मांग रही है, पर आ रही है? अरविंद जी भी क्यों आ रहा है? अरे लाल का है, नो नोटो केस चल रहा है, उसका माइनिंग का केस चल रहा है, अरे लाल महतो का इतना ड्रग चल रहा है, इतना अवैध धंधा चल रहा है, इसके बारे में कोई बोल रहा है क्या? आज तक किसी मीडिया रिपोर्टर ने छपा है क्या? नहीं। तो ये सब चीज यहाँ का जनता को बोलना चाहिए, और यहाँ का जो सर्वोच्च नेता है श्री सुखराम हेमब्रम जी, उसको वोट देके हरी मतों से विजय बनाएंगे हम लोग। क्या नाम आपका? गुरुपद हेमब्रम। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपको धन्यवाद, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ पे मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला। और मेरा नाम है प्रियंका मुर्मू हेमब्रम। मैं आप सबके बीच अभी हेमब्रम दादा के साथ जो हम लोग उसको हम लोग अभी खड़ा किए हैं चुनाव के लिए, तो वहाँ पे मैं एक सप्ताह से मैं घूम रही हूँ। ठीक है, एक सप्ताह से तकरीबन ईचागढ़ में लगभग 30 गांव हमने घूम लिए। 30 गांव घूम के अभी हम लोग चांदील बाज़ार के लिए दौरा करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को अभी ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग आखिर इतना प्रत्याशी होने के बाद भी हम लोग हेमब्रम दादा के साथ मतलब क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इसको क्यों आगे बढ़ाएंगे। ईचागढ़ विधानसभा में कई नेता, कई एमएलए खड़े हुए थे इससे भी पहले, तो हम लोग सुखराम जी को इसलिए जिताना चाहते हैं ताकि हम लोग का ईचागढ़ विधानसभा में जितना भी जनता है सभी को अपना जो सभी कार्य है उनको सफलतापूर्वक पहुंचाएंगे, ताकि जितना भी काम हो और इसके मतलब सभी सच है कि इन लोगों पहले के आदमी लोगों बहुत कुछ बोला पर वो काम को किया नहीं। दूसरी बात है, आज सुखराम हेमब्रम आपने अपना पुल बद्ध पर सब को अपनाया है, सिर्फ वो बूढ़ा जवान को एक नहीं, बच्चे तक के लिए उसको तकलीफ है, जो बच्चा पढ़ेगा कैसे, जाएगा कैसे, खाएगा कैसे, उसके लिए प्रबंध करने के लिए वो हर मुल्क में हर जगह में जा कर के वह झंडा गाड़े गए। और अब अभी हम लोग का सुखराम माफी दिया है, जितने भी काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम करके दिखा देगा, आने वाला दिन कर लेकर के और अच्छा करेगा। तो ये है सुखराम का मन और तो दुनिया को। इस बार आप क्यों जिताने जा रहे हैं? हाँ, मैं ये सुखराम क्या रुझान है सुखराम हेमब्रम के पति ग्रामीण का? तो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आदमी से मिल रहा है, जुड़ रहा है, और किसी दुख देख रहा है तो उसको दवा दारू सब कुछ करता है, दवा भी खिलाता है, उसको रास्ता भी बताता है, खाने को भी देता है। तो वोट करेंगे वो लोग गुंडागिर्दी और आदमी लोग को गुंडा लोग को पाला है, और आदमी लोग छवि को खराब कर रहा है, हम लोग को देश को बर्बाद करने के लिए चाहता है। पर मेरा जमीन भी है, मेरा जमीन भी है, और मेरा गांव भी है, मेरा पहाड़ का सब है, हम कोई कमी नहीं है आदिवासी।
तो है सुखराम हेमब्रम, अब वो खड़ा हुआ है किसी को दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आम जनता को वोट रुझान देने के लिए? हाँ नहीं, उसको हम लोग समझाएंगे बुझाएंगे, सब समझ गया, सब समझ गया, कोई मौका नहीं, क्योंकि देख लिया ना आगे वाला, देख रास्ता को कितना रोड बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया, पूछा नहीं, गछा नहीं, हॉस्पिटल नहीं खोला, डॉक्टर को नहीं भेजा, तो हम उसको क्या उम्मीद करेंगे? हम उम्मीद छोड़ दिए। क्या नाम आपका? मेरा खुश है। अभी जो जनता यही कह रहा है, जो बाहर का आदमी को हम लोग खबर नहीं लाएंगे, लोकल जो है हम लोग का विचारगढ़ विधानसभा में उसी को हम लोग नेता बनाएंगे और हम लोग विकास होगा। क्यों चाह रहे हैं सुग्राम में, ऐसे क्या खूबी है जिनको वोट देंगे लोग? इसीलिए हम लोग सुविधा मातो का पास दिए थे, कोई भी बात अगर बोलते हैं तो केयर नहीं करता, और जब वोट जीत के जाता है तो 5 साल हम लोग बस्ती में वो देखने भी नहीं आता जो इंसान जिंदा है कि मरा हुआ। तो हम लोग विधायक बनाते किस लिए? जो हमारा दुख दर्द को समझे, गरीब को समझे। गरीब तो पैसा मांगने नहीं जाता है, अरे हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये हम गरीबों का हम लोग का परेशानी है। कोई भी मुसीबत मैडम सॉल्व नहीं करता, तो आखिर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो अभी हम लोग का निर्दलीय में सुखराम भाई जो भी है हम लोग गरीब को मदद करते हैं, डॉक्टर के पास भी भेजते हैं। आज हम लोग का सुखराम भाई का देन है जो दो दो लोग पेशेंट को ही जान बचाए हैं, ऐसा नहीं भूल सकते। हम लोग नेताजी से पैसा नहीं मांगते, नेताजी वक्त में खड़ा होते हॉस्पिटल भेज देते। बहुत कुछ है, मलखान सिंह जो भी आता है या मेन मेन आदमी को देखता है और गरीबों के ऊपर ऐसा उसका रुहान नहीं, जैसे कोई कलकत्ता है उसको आया भाई पैसा दे दिया, अरे उसको दे देना। और गरीब से आप पूछिए, पैसा तो उसको दे रहे हैं, पैसा गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या बात है सर, इसी के लेके तो जनता उनसे भिड़क चुका है, जनता नफरत कर रहा है उनसे। वो खराब नहीं है, खराब वो जो खाना फेंक दिए वही खराब हुआ। तो हम लोग किस उम्मीद करें? उससे अच्छा तो हम लोग सुखराम भाई सम्मान इज्जत यहाँ मिलता है। और हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ करें, हाँ हम लोग यही दुआ करें सुखराम भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट से निकले। क्या रुझान है आप लोग का पूरा? अभी पूरा विधानसभा इरादा बन चुका है जो सुखरामे को अब हम लोग वोट देंगे। 5 साल तो हम लोग बाहर को दिए, कुछ नहीं हुआ। कम से कम एक बार इनको भी देख के देखते हैं ये क्या करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ मुर्तुजा।